अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाने वाला हूं। कुवैत में यदि आप लोग डोमेस्टिक वर्कर हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ है। अब दोस्तों, खबरें तो वैसे और भी मैं सुनाऊंगा, पर ये बहुत ही अच्छी खबर है। खबर क्या है? कुवैत टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ डोमेस्टिक वीज़ा टू वर्क वीज़ा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ दिन पहले बंद किया गया था टेम्प्रोरी कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर जो है अपने वीज़ा को वो वर्क परमिट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, यानी वर्क वीज़ा में वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। पर हुकूमत के तरफ से और पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के तरफ से फिर से यह निर्णय लिया जा रहा है कि डोमेस्टिक वर्कर जो है अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर पाएगा वर्क वीज़ा में। साथियों, टेम्प्रोरी फिलहाल कुछ वजह से इसे बंद कर दिया गया था, पर दोस्तों फिर से इस पर बात, मतलब इसे स्टार्ट करने की बातें कही जा रही है। खबर क्या, मैं पूरी बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर असाइंड PAM यानी पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर प्रिपेयर ड्राफ्ट लॉ टेम्प्रोरी लिफ्ट द बैन ऑन ट्रांसफरिंग डोमेस्टिक हेल्पर वीजा टू वीजा 20। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेम्प्रोरी बैन किया गया था, पर दोस्तों उस टेम्प्रोरी बैन को फिलहाल अभी हटाने की बात चल रही है पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर के तरफ से। दोस्तों, एक ड्राफ्ट बिल जो है वो संसद में पेश भी कर दिया गया है। साथ ही यदि इसको अप्रूवल मिल जाता है तो बहुत ही जल्दी जितने भी डोमेस्टिक वर्कर होंगे उनको वर्क वीजा में ट्रांसफर करने का दोस्तों मौका मिल जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों वीजा नंबर 20 होता है, और वर्क वीजा जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में वीजा नंबर 18 होता है। तो वीजा नंबर 18 को लेकर और वीजा नंबर 20 को लेकर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो जो भी भाई लोग, आप लोग कुवैत में हो तो आप लोगों के पास फिर से बहुत ही अच्छा मौका आने वाला है। अगली जो खबर आ रही वो भी बहुत ही अच्छी खबर है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, कुवैत में जो है वो खून का यानी ब्लड डोनेटिंग का काफ़ी ज़्यादा कैंपेन वगैरह लगाया जाता है। साथियों, 2023 में बहुत सारे जगहों पे अलग अलग हिस्सों में कुवैत में हर जगह ब्लड डोनेशन का कैंप जो है वो लगाया गया। तो साथियों, पूरे एक साल होने के बाद ही इसका वहाँ पर पूरा डाटा दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो उसका डाटा दोस्तों इस प्रकार दिया गया है कि कुवैत की तरफ से लगभग 85,000 बैग यानी खून का कलेक्शन किया गया है 2023 में, जिसमें 55% जो थे वो कुवैती नागरिक हैं और 45% जो थे वो डिफरेंस कंट्री के हैं, यानी 75 कंट्रियों को नेशनलिटी के जो लोग हैं वहाँ पे उन्होंने आके ब्लड को अपना डोनेट किया है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितने भी वहाँ पे मुल्क के लोग रहते हैं सभी इस नेक काम में हिस्सा लेते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो खून की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, तो वो खून जो है लोगों को दिया जाता है। तो लगभग 85,000 बैग जो है वो कंट्रीब्यूट किया गया। अगली जो खबर आ रही साथियों, बहुत ही बड़ी खबर है, कुवैत एयरपोर्ट से आ रही है। कुवैत एयरपोर्ट में स्मार्टफोन का स्मगलिंग करते हुए एक प्रवासी को पकड़ा गया है। दोस्तों, खबरों को पूरा पढ़िए। एक्सपर्ट कॉट स्मगलिंग स्मार्टफोन एट कुवैत एयरपोर्ट। दोस्तों, कुवैत एयरपोर्ट पे वो डिपार्चर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उसे पकड़ा गया, उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों, प्रवासी जो है वो कौन से मुल्क का है इसके बारे में डिटेल अभी फिलहाल नहीं दी गई है। जैसे कोई इस पर अपडेट साथी मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। कोई भी मन में आपके सवालों को, जानकारी चाहते हो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का सवालों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, जो भी मैं खबरें बताता हूं जेन्युइन खबरें बताता हूं, आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं जो भी खबरें बताता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।